गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? गाइस, आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं कार फोर सेल्स सिमुलेटर। गाइस, आज की जो हमारी एपिसोड है वो है 4। गाइस, मैंने बहुत सारी गाड़ियां छोटी छोटी बड़ी छोटी सब बेची, और आज की जो एपिसोड है ना वो आप देख रहे हो कि $381,000 से स्टार्ट हुई है। और मैंने पिछले लगभग, जब हमारी एपिसोड 3 थी, हमने लगभग 2.5 लाख के आसपास अर्न किए थे। डे 14 था और अब डे 18 है, तो 4 दिन मैंने काफ़ी गाड़ियां खरीदी। और छोटे छोटे से दिन होते हैं, इतने बड़े नहीं होते। गेम के दिन बहुत छोटे होते हैं, आप काम करते हो, आते जाते हो, वो उसमें ही पूरे हो जाते हैं। मेरा इरादा था आज ऑक्शन से गाड़ी परचेज करने का, तो मैंने सोचा काफ़ी सारे पैसे हैं तो क्यों ना एपिसोड 4 बनाई जाए और इस एपिसोड को काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाते हैं और एक अच्छी सी गाड़ी खरीदते हैं, उसे अच्छा सा मॉडिफाई करवाते हैं अपना मनपसंद, और उसके बाद उसको बेचेंगे एक तगड़े पैसों के साथ। पर ऑक्शन अभी बंद है, लेकिन होपफुली कि अभी कुछ टाइम में, लाइक एक दिन बाद खुल जाए। तो ऑक्शन बंद है और यहाँ पर कार मार्केट भी ओपन नहीं है। ऊपर मेरा जो ऑफिस है वो क्लोज लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है, क्योंकि मेरे पास गाड़ियाँ नहीं है कोई, तो ऑफिस मेरा क्लोज है। बट मेरे पास पैसे हैं, मैं गाड़ियाँ खरीदना चाहती हूँ, बट मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, बट अभी कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी अभी मैं चाहती हूँ कि हम अच्छी अच्छी गाड़ियां खरीदें, क्योंकि पैसे बहुत बहुत सारे हैं, और जब आपके पास ज़्यादा पैसे होते हैं ना तो आपको ये होता है कि नहीं, हमने बहुत सारा खरीदना है। तो कार मार्केट जाकर देखते हैं। वैसे मैं नेबरहुड में नहीं जा रही हूँ, नेबरहुड का ऑप्शन भी है, बट मैं जाती हूँ कार मार्केट, और कार मार्केट बंद पड़ी होगी क्योंकि मुझे पता है वहाँ पर लिखा हुआ आता है। तो मैं ना गाइस कंटेनर में जा रही हूँ, वैसे भी रात हो रही वाली है, तो हम जाकर सो जाते हैं। तो सुबह हो चुकी है और अब हम जा रहे हैं कार मार्केट। अब मेरे पास है पैसे बहुत ज़्यादा। इस एपिसोड में ना गाइस आपको मजा आने वाला है, क्योंकि हम अच्छी अच्छी गाड़ियां ना बनाकर बेचेंगे। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन सी गाड़ी कितने पैसों में मिल रही है, कोई अच्छी गाड़ी है हमारे लायक के नहीं है। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले इसकी है OD Q7, और OD गाड़ी तो मैं काफी बेच चुकी हूँ, तो ये 9,000 रुपये में दे रहा है और कंडीशन मुझे ठीक ठाक लग रही है। बट ये वाला जो दरवाजा है ये थोड़ा सा टूटा हुआ है, मतलब रिपेयरिंग का काम इसके अंदर है, बट पैसे ठीक थे। बाकी ओडी $12,000 तक तो बिकी जाती है, 11 या 12,000 तक बिक जाती है। ओके, तो इससे ये गाड़ी बहुत अच्छी लग रही है, लाइक बहुत अमेजिंग लग रही है। इससे पूछते हैं कितने की दे रहा है और क्या है। ओके, लेरारी गाड़ी है, फरारी होगा, बट नाम कुछ ऐसा इन्होंने दिया हुआ है। तो खैर, क्या कहते हैं, ये 2004 का मॉडल है, किलोमीटर ऑटोमेटिक है ये, कितना किलोमीटर चली हुई है वो भी लिखा हुआ है। बाकी गाड़ी बहुत महंगी दे रहा है, मतलब $2,20,000, और ये गाड़ी भी मुझे तो ठीक ठाक ही लग रही है। लेट्स सी, लॉर्ड मस्टग है ये, और ये कितने की दे रहा है, 31,000 की दे रहा है, मतलब ठीक ठाक है। गाड़ी बुरी नहीं थी, थोड़ी अच्छी थी। मैं थोड़ी सी सर्वे कर लूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ थोड़ी अच्छी गाड़ी खरीदूँ। अब मेरे पास पैसे हैं, ये है ODRR, ये दे रहा है $5,00,000 के करीब, जबकि इसकी जो गाड़ी है ना गाइस ऊपर से वो खराब है, लेकिन ये फिर भी $15,000 का 5,00,000 की दे रहा है, तो मतलब गाड़ी एक्सपेंसिव होगी 100%। ओके, तो ये दे रही है लेरारी, मतलब ये फरारी ही है, मुझे इतना तो पता ही है, और ये 3,00,000 डॉलर के आसपास दे रही है। 2006 का मॉडल है, अभी जो हमने देखा था वो 2004 का मॉडल था, और वो आई थिंक 2,20,000 की दे रही थी, ये बंदा था आई थिंक सो, वो यही था, ये भी दे रहा था, यही मॉडल है। ये 2004 का था और उसका थोड़ा सा 2006, मतलब थोड़ी नई थी उसकी गाड़ी, और ये 2,20,000। मॉडल पे भी डिपेंड करता है गाड़ी, फिर आपको कम ज़्यादा, मतलब वो तो हो जाता है कम ज़्यादा थोड़ा बहुत। तो ये वाली गाड़ी मुझे तो ठीक ठाक लग रही है, आप देखो इसके ऊपर बहुत कम डेंट पेंट, मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा काम होगा। उस बंदी की गाड़ी कहाँ गई, वो ये है, लाइक कलर का ही मुझे डिफरेंस लग रहा है, बाकी इसकी कंडीशन भी मुझे ओके लग रही है। आप देख सकते हो कि अगर ये बहुत ज़्यादा पैसों के दे भी रही है, बट मुझे कंडीशन ओके लग रही है दोनों की ही। लेट्स सी के इससे बात करते हैं, तो ये दे रही है 2006, मतलब इसकी थोड़ी सी ज़्यादा नहीं है, तो ये 3,00,000 के करीब करीब दे रही है, वो 2,20,000 में दे रहा है। बाकी अभी ये सारी की सारी चीज़ें बंद हैं, तो इसकी लेनी चाहिए या उसकी लेनी चाहिए, कॉम्प्लिकेशन है, बार्गेन करते हैं, ये थोड़े कम में करती है तो ठीक है, नहीं तो ऑप्शन है हमारे पास, हम इसको 2,50,000 का ऑफर करते हैं, क्योंकि मुझे इसकी ज्यादा बेटर लग रही है। ओके गाइस, मान गई, दे दिया उसने $2,50,000 में, दे दी उसने गाड़ी, मेरी हो गई और वो जा चुकी है, तो क्या बात है। मतलब 2,20,000 में मैं वो भी परचेज करती, बट 20,000 में उसके भी गिराती, डाउन ही करती,
लगभग 45,000, मतलब 45,000 का हमने डिफरेंस बार्गेन की है। ओके तो गाइस इसमें थोड़ा सा पेंट भी करवाना है, थोड़ी सी डैमेज है ये, और डर्टी भी है, और फ्यूल और डर्टी का तो कोई इशू नहीं है, हम मॉप से लाइक कपड़े से भी साफ कर सकते हैं, उसका तो कोई इशू नहीं है। जो सबसे ज़्यादा इशू है रिपेयरिंग का, तो उसको रिपेयरिंग पे मैंने भेज दिया है, पैसे मेरे पास मौजूद है, तो अपनी रेंज के हिसाब से दूसरी गाड़ी भी हम परचेज कर लेते हैं तो ज़्यादा बेटर है। और एक गाड़ी मुझे 30,000 वाली पसंद आई थी, आई थिंक यही है वो गाड़ी, लोड मस्टक, ये वाली, ये 31,000, ये मुझे सही लगी थी, और मैं इसे बार्गेन करके देखती हूँ, अगर चाहिए हमें लाइक अच्छे पैसों में दे देता है तो मैं ले लूँगी। वैसे मैं सोच रही थी इससे ज़्यादा कम ना बोलूँ, बिकॉज मुझे लगता है ओके गाइस मिल गई गाड़ी, दूसरी गाड़ी में आ गई गाइस, वाओ 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 यस। तो ये गाड़ी भी हमारी हो चुकी है, और इसमें देखते हैं तो रिपेयरिंग का प्रॉब्लम है, तो ये यहाँ से डायरेक्ट चली जाएगी, और मैं यही चाहती थी कि डायरेक्ट चली जाए, गाड़ियाँ ज़्यादा बेटर है, तो इसको रिपेयर पर भेज देते हैं। तो दो गाड़ियों का ऑप्शन होता है आपके पास, वहाँ रिपेयर के लिए दो गाड़ियाँ जा सकती हैं, तो दो गाड़ियाँ चली गई, फटाफट से उनका काम करवा के आते हैं। आप लोग ना जल्दी से अपना काम करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाना ना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि बेल आइकन दबाओगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। ओके डे 19 है, यहाँ पर 12 बज चुके हैं, सुबह सुबह हम काम आकर चले गए थे, मेरी गाड़ियाँ आ चुकी हैं यहाँ पर रिपेयर के लिए, किसी की गाड़ी होगी जो कि पेंट हो रही है, बट मैं अपनी गाड़ियों का काम करवा लूँ ज़्यादा बेटर है। वैसे मेरे पास पैसे थे और खरीद सकती थी, बट रिपेयर पे नहीं भेज सकती थी, $3,500 बोल रहा है ये सारा का सारा काम करने के लिए, तो गाड़ी पे उस पर इतने पैसे लगाए हैं, $3,200 क्या मायने रखते हैं। ओके इसके जो रिपेयर पार्ट्स हैं वो $1,300 के कर रहा है। गाइस मैंने एक चीज़ देखी है, जब गाड़ी थोड़ी ज़्यादा महंगी होती है तो रिपेयर की जो कॉस्ट होती है वो उसकी ज़्यादा ही होती है, बिकॉज उसके पार्ट्स महंगे होते हैं, क्योंकि महंगी गाड़ी होती है तो महंगे पार्ट्स होते हैं, सस्ती गाड़ी होती है तो सस्ते पार्ट्स भी लग जाते हैं। ओके हम जा रहे हैं जंक यार्ड, यहाँ से आपको कुछ सामान मिल जाता है और इस सामान को आप इजीली बेच सकते हो, लाइक अपना ट्रेवलिंग का खर्चा निकाल सकते हो, तो ये ट्रैश के लिए होता है और इस बंदे को यहीं पे सेल कर सकते हो, मैंने एक पहले भी पार्ट में आपको बताया था। तो लेट्स सी कितने में ले रहा है भाई, तो कितने में लेगा, $40 ठीक है भाई दे दे, तो ये $40 उसने दे दिए हैं। और यहाँ पर इस गाड़ी का क्या सीन है, ये कपड़ा पहन के लेटी हुई है। ओके तो गाइस हमारी एक गाड़ी रेडी हो चुकी है, तो इसको फटाफट से लेकर जाते हैं और लेट्स सी कि पहले ओके फुल हो चुकी है, बाकी थोड़ा सा पेंट बाकी है, तो पेंट तो हम करवा लेंगे, पेंट का भी इशू नहीं है, 20% पेंट भी पीछे ही है, डर्टी के लिए कार वॉश करवा लेंगे, उसके बाद फ्यूल तो हम खुद भी भर लेते हैं। ठीक है तो लेकर जाते हैं, ये वाली जो गाड़ी है ना गाइस, ये वाली गाड़ी, ओह फरारी है मेरे पास, क्या बात है, मतलब कि अच्छी वाली खरीदी। आपने देखा आपकी दीकर ने दिल बहुत पड़ा है, कंजूसी नहीं दिखाई, 2,20,000 वाली गाड़ी मैंने नहीं ली, क्योंकि मुझे पता है अगर वो 2,20,000 की दे रहा है तो उसके 2 साल पुरानी भी है, वो मजीद चली हुई है, तो इसीलिए 2006 वाली गाड़ी ली मैंने, क्योंकि कलर तो मैं खुद भी करवा सकती हूँ। ओके पेंट ओल्ड कार $300, ये तो मैं आपको बताती रहती हूँ, ये पेंट पार्ट्स मैंने करवा लिए हैं $160 में, पॉलिश देखते हैं $300, मतलब मैं दिल खोल के खर्चा करने वाली हूँ उस पर, दिल खोल के, इसीलिए मैंने तीसरी गाड़ी भी नहीं परचेज की, वो मैं चलाकर भी ला सकती थी, बट मैं दिल खोल के खर्चा करूंगी ताकि इस गाड़ी को हम एक अच्छे तगड़े पैसों में बेचें। तो यहाँ पर स्मूथ्स को मैंने थोड़ा सा ज़्यादा किया है, मेटालिक को भी नॉर्मल हल्का पुल्का टच दिया है, बस एक खूबसूरती बरकरार आ रहा है यहाँ पर पार्ट्स, और ये कार का जो ओल्ड पेंट है ये $300 में हो रहा है। वैसे पेंट मुझे ठीक ठाक ही लग रहा है, क्योंकि ये कलर मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, तो आप देखो पेंट यहाँ पर मैंने थोड़ा सा भी करवाया तो ये 100% हो गया, मतलब लिटिल टच भी करवाया। अब नया कलर आप करवाना चाहते हो करवा सकते हो, बट मुझे उसको करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब आप इतना ज़्यादा खर्चा करो, क्योंकि गाड़ी टोटल ओके फर्स्ट क्लास थी ये गाड़ी, तो इसको ज़्यादा हल्का पुल्का टच दिया है मैंने, गाड़ी चलाने में इतनी कोई स्मूथ है। गेम के ग्राफिक्स की बात करूँ तो हल्के पुल्के ऑप्टोमाइज नहीं है, मतलब ज़्यादा ही ऑप्टोमाइज नहीं है, बट गाड़ी मेरी बढ़िया चल रही है, मतलब बहुत अच्छी चल रही है। तो यहाँ पर कार वॉश से पहले हम फ्यूल भरवा लें ज़्यादा बेटर है। ओके इसको मैं पहले लगा लेती हूँ इस साइड पे। अच्छा गाइस अब जरा सा भी थोड़ा पीछे भी कर दो, फटाफट से गाड़ी आगे आपके पीछे खड़ी हो जाती है और इरिटेट कर देती है, तो फ्यूल यहाँ पर भरवा लेते हैं, यहाँ पर दो काम हो जाते हैं आपके और वहाँ पर भी दो काम हो जाते हैं, यहाँ पर फ्यूल भी भर जाता है, कार वॉश भी हो जाता है, वहाँ पर आपका पेंट हो जाता है, ऑटो रिपेयर हो जाती है, गाड़ी ऑटो रिपेयर के ऊपर रिपेयर हो जाती है और ट्यूनिंग भी हो जाती है अगर आप करवाते हो, तो यहाँ फटाफट से कार वॉश करवाते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ आप लोग ये वाला गेम खेलते हो नहीं खेलते हो, आप लोगों को मजा आता है नहीं आता है इसको खेलने में। वेल $50 और दे देते हैं इसको वॉश करवाने के,
थोड़ा बहुत अपना काम भी देख लेते हैं कि वॉशिंग कैसा चल रहा है। बाकी ओवरऑल जब भी मैं यहाँ आती हूँ गाड़ियाँ बहुत कम ही नजर आती हैं, फ्यूल भरवाती हूँ और एकदम से वो डिस्पॉन हो जाती है, गायब हो जाती है, तो ऐसा वाला फील होता है। बाकी गाड़ी वॉश होते हुए ना काफी अच्छा वाला लाइक ये देख कर ना मुझे अच्छा लगता है कि मेरे बाहर होना चाहिए, लाइक ये मेरे ऑफिस के बाहर ऐसा सीन होना चाहिए। ओके कब तक होगी भाई, 4 बज रहे, मुझे इसको बेचना भी है, जल्दी कर। कार मार्केट खुली हुई है और कार मार्केट के लिए कोई टाइम इशू नहीं है या कोई टाइम का कोई ऐसा कोई सीन नहीं है कि अभी ऊपर नहीं लिखा हुआ आ रहा है कि बंद हो जाएगी। बाकी अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, अगर मैं जल्दी ले जाती हूँ ना तो मेरा काम बन सकता है, क्योंकि मुझे इसको बेचना भी है, पिक्चर्स भी लेनी होती है। बाकी मेरी दूसरी गाड़ी भी अभी रिपेयरिंग के लिए रेडी होगी, तो बस जल्दी से जाते हैं और इसको जल्दी से छोड़ कर आते हैं। ओके गाइस, काम करने वाला मैंने रख लिया था, इसको $500 पर वीक मैं दे रही हूँ, जैसे कि वीकली आपके पास बिल्स आते हैं वैसे ही आपने इसको भी रख लिया है। 500 इसका भी पेड करना होता है, ये आपके जो डस्टबिन के अंदर सारे पार्ट्स फेंकने होते हैं वो कर देता है, आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैंने अपनी फरारी को खड़ा कर दिया है और दूसरी गाड़ी मेरी बन रही है उसके लिए मैं ज़रा इसको एक सेकेंड, तो मैं यहाँ से ना सिंपल पहले पिक्चर्स भी ले लेती हूँ, पहले मैं इसको लगा देती हूँ बेचने के लिए कार फॉर सेल। अरे चल 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 जल्दी कर। ओके एक तो जो लोड मस्टक है ना वो तो अभी बनने के लिए रखी हुई, तो उसको बेच नहीं सकती हूँ मैं, अभी बनी नहीं है वो, तो यहाँ पर पिक्चर्स नहीं है मेरे पास। बाकी इसकी फरारी हम इसको लिख देते हैं, फरारी ही है, उन्होंने नहीं लिखा ताकि जो ब्रांड है जिनकी गाड़ियां हैं उनको कोई प्रॉब्लम या इशू ना हो, बट हम तो लिख देते हैं, हमें क्या इशू है। ओके ओके तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, इसका मॉडल नंबर भी मैंने लिख दिया है यहाँ पर, वैसे मेंशन होता है 2006 की है, F430 है। बाकी मैं इसको $3.5 लाख में कर देती हूँ, बिकॉज मैंने भी $2.5 लाख में तो खरीदी है $2.5 लाख में, उसके बाद थोड़े से पैसे लगाए, ज़्यादा नहीं लगाए, $1 लाख तो बनता ही है हमारा प्रॉफिट। ओके ऑफिस मैंने यहाँ ओपन कर दिया है, सफाई कर लेगा, मैं दूसरी गाड़ी के लिए जा रही हूँ। बाकी मैं सोच रही हूँ कार मार्केट जाऊँ या दूसरी गाड़ी उठाऊँ, बिकॉज शाम के 6 बज चुके हैं और सुबह हो जाएगी लाइक रात होने में ना जिस 2 घंटे बचे हैं, 8 बजे रात हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, वो सब कुछ क्लोज हो जाता है, तो प्रॉब्लम हो जाती है। ओके गाइस, मुझे ब्लैक कलर भी बहुत अच्छा लगता है गाड़ियों में वैसे तो, बट रेड कलर मुझे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक करता है और सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ मुझे रेड कलर की अच्छी लगती है, बट ये एक थोड़ा सा क्रेजी टाइप हो जाता है कि रेड रेड रेड। ओके तो यहाँ पर पेंट का क्या सीन है चेक कर लेते हैं। गाड़ी को मैं ले आई हूँ क्योंकि रिपेयरिंग भी इसे, दोनों के अंदर ही रिपेयरिंग वाला सीन था। अब इसे बात करते हैं भाई, जल्दी से बताओ, पॉलिश है यहाँ पर, पार्ट्स है, जल्दी से पार्ट्स के ऊपर करवा लेते हैं, पॉलिश में क्या सीन है, हल्का सा स्मूथ दें इसको के ना दें, मेटेलिक में इसको कर लेते हैं $300। लाइक आप देखो खर्चे करने में मैं बिल्कुल भी वो नहीं करती हूँ, बाकी अगर अब मैं देखूँ तो गाइस ये 100% हो चुका है, बस जस्ट कार जो वॉश है ना गाइस वो, ओ माँ गाड़ी की आवाज़ इतनी तेज। ओके तो गाइस गाड़ी को ना मैं यहाँ रोक रही हूँ बिकॉज कस्टमर्स आए हुए हैं, तो मैं कस्टमर्स को देख लेती हूँ। ओके तो इसको देखते हैं सबसे पहले, तो हमने $3.5 लाख लगाए हैं और ओके गाइस ये मेरी गाड़ी ना करंट प्राइस पे लेने को तैयार है, तो आई थिंक मुझे लगता है गाइस के मुझे जल्दी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद या तो मैंने पैसे कम लगा दिए हैं, बिकॉज ये करंट प्राइस पे लेने को तैयार है, मतलब कोई बारगेन नहीं किया इसने, कुछ नहीं किया है। अगर इसको देखते हैं ये क्या कहता है, तो आई एम थिंकिंग ठीक है भाई तो सोच, ओ माय गॉड ये भी गाइस सेम प्राइस देने को तैयार है, तो इट मींस गाइस मैंने कोई गलती कर दी है, शायद ये गाड़ी महंगी है बट मैंने सस्ती लगा दी है। दोनों निकलो यहाँ से, पहले इधर आ एक बार दिखा, एक बार फिर से अगर ये यही बोलता है ना गाइस आई विल टेक। ओके नहीं 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 मैं इसको, मुझे लगता है गाइस मैंने गलती कर दी है इसको बेचने में, और ये गाड़ी की वैल्यू ज़्यादा है और मुझे इसकी वैल्यू चेंज करनी होगी, तो हम इसके जो पैसे हैं वो और मज़ीद बढ़ाएंगे, तो मैं इसको हटा देती हूँ और इसको दोबारा से हम सेल पे लगाएंगे। तो अच्छा खासा टाइटल वाइटल डाला था, लेकिन अब मैं इसको $4.5 लाख में दूंगी, बिकॉज गाइस ये गाड़ी बहुत अच्छी है बट मैंने इसके जो प्राइस है ना वो बहुत कम रख दिए थे, मतलब $1 लाख, ओ माय गॉड मैंने कम रख दिए थे। तो अब सुबह में देखेंगे कि ये बिकती है कि नहीं बिकती है, कितने की बिकती है वो तो कस्टमर डिमांड बता ही देते हैं, 2-4 कस्टमर्स आते हैं वो आपको बता देते हैं कि इसकी क्या डिमांड होने वाली है और कितने की होने वाली है, वो उनसे पता चल ही जाता है जब वो ऑफर करते हैं। तो यहाँ पर रात हो चुकी है गाइस, मैं जा रही हूँ, मैं सोच रही थी कि उसको वॉश पे ले जाऊँ, लेकिन वॉश भी बंद ही होता है,
तो हम सीधा यहाँ से कंटेनर में जाते हैं और जाकर सो कर आते हैं, बिकॉज वॉश भी बंद होता है. मैं एक बार गई थी तो कार वॉश बंद होता है, वहां पर कोई काम करने वाला वर्कर नहीं होता, तो फटाफट से सो जाते हैं. तो कई से मतलब हम लॉस में गए हैं क्योंकि हमने मनी इसको स्पेंड ही किया था, बट अभी हमने अर्न नहीं किया क्योंकि हमने गाड़ी बेची नहीं है. और इतने पैसे हमने लगाए हैं, $2.5 लाख की हमने एक गाड़ी खरीदी थी, $31,000 की खरीदी थी. तो अब यहाँ से फटाफट से मैं जा रही हूँ ऑफिस, क्योंकि मेरे पास कस्टमर्स आए हुए होंगे और कस्टमर्स को देख लेते हैं. ऑफिस मेरा ओपन है, गाड़ी साफ करने के लिए मैंने डस्टबिन में डालने के लिए बंदा रखा हुआ है. तो ओके गाइस, आज ऑक्शन लगेगा, मेरी जल्दी से गाड़ी बिक जाए, मैं ऑक्शन जाऊंगी. यस. तो गाड़ी को जल्दी से चमका देते हैं, जल्दी से चमका देते हैं गाड़ी को, ताकि कस्टमर्स आए और चमकी चमकी गाड़ी ले. मैडम तुम जल्दी आ गई हो, थोड़ी गाड़ी तो साफ करनी नहीं थी तुमने. अरे एक और आ गया, एक और. थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा साफ सुथरा देखो, गाड़ी बहुत महंगी है तो अच्छी और साफ सुथरी होनी चाहिए ना. ओके, तो गाइस डे 20 हो चुका है, सैटरडे का दिन है और मैं गाड़ी साफ करने में लगी हूँ. कस्टमर भी बोल रहे होंगे कैसी बंदी है भाई, कस्टमर बेचारे आए हुए लेकिन कोई वैल्यू ही नहीं है कस्टमर की. हाँ भाई, अब बोलो तुम क्या कहते हो भाई, क्या कहते हो. तो गाइस हल्की फुल्की डर्टी है ये अभी भी, और ये $4,50,000 हमने ऑफर किया है, ये 47 बोला है, लगभग $2,500 कम है हमारी ऑफर के हिसाब से. तो वैसे तो एक बंदी और भी खड़ी हुई है, और यहाँ पर इससे बार्गेन करके देखती हूँ मैं, लगभग मैं इसको 49 बोलूंगी, 449 बोलूंगी, 449 मतलब के 4.5 लाख में 1,000 कम बोलूंगी. तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं लिखूँ कैसे, मुझे समझ तो आ गया था बट मैं सही से लिख नहीं पा रही थी, कंफ्यूज हो गई थी. तो गाइस इसको मैंने ये ऑफर किया है 449, और यहाँ पर 9494 हो रहा था, मतलब मैं अपनी ऑफर से ऊपर जा रही थी, तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि करना क्या है. ओके, मतलब कि लगभग मैं 5 लाख के करीब पहुंच गई थी, जबकि मैंने $4.5 लाख ऑफर रखी थी. तो कैसे आगे जा सकती हूँ मैं. ओके, तो इसके लिए अभी हम इसको वैसे वॉश भी करवा सकते हैं, बाकी मैं खुद भी साफ कर सकती थी, लेकिन मैं खुद से साफ करती हूँ ना तो लाइक मजा नहीं आता खुद से साफ करने के ऊपर, वो फील नहीं आता. तो इसीलिए कार वॉश ज़्यादा बेटर होती है, आपका 100% काम हो जाता है. अगर आप फ़ौरन से भेज दो, अगर आप रात ना आप ज़ाया करो, तो ज़्यादा बेटर रहता है. तो इसको वॉश में लगाते हैं. ऑक्शन जो है वो 1 बजे दोपहर में आई थिंक सो ओपन होगा, वहाँ पर लिखा हुआ है साइड पे. अभी सुबह के 9:30 हो रहे हैं, तो मैं लगभग काफ़ी सारे काम करवा सकती हूँ. तो इसको फटाफट से वॉश करवाते हैं, और ये वॉश हो चुकी है. ओके, तो गाइस आपकी दी के पास इतने सारे पैसे हो चुके हैं, मज़ा आ गया, मजा आ गया. मतलब मैंने गाड़ी $2.5 लाख में खरीदी और 4.5 में बेची है, मतलब 2 लाख का प्रॉफिट. मतलब बड़ी बड़ी गाड़ियों में बड़े बड़े पैसे मिलते हैं, जैसे कि बोला जाता है अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, लाइक ऐसा बोला जाता है. ठीक है, ओके. तो अमीर को अमीर होने के लिए पैसे भी तो चाहिए होते हैं. ओके, यहाँ पर बस जस्ट फ्यूल का प्रॉब्लम है, और बाकी मेरी गाड़ी चमचमाती हुई रेडी है. तो बस फ्यूल भरते हैं और मेरा डन 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 सारा काम हो चुका है इस गाड़ी का भी. ये भी गाड़ी हल्के में नहीं लेंगे हम, इसको $31,000 की खरीदी है हमने, और इसमें पैसा लगाया है रिपेयरिंग का. $1,000 तक तो मैं लगाती ही लगाती हूँ सब में, लाइक पेंटिंग में, पेंट वगैरह में या रिपेयर में. बट इसका रिपेयर कॉस्ट ज़्यादा था, 1,300 के आसपास था, तो 1,300 तो मैंने इस पर लगाया, लगभग 2,500 लगा दिए मैंने. होपफुली कि मुझे इससे ज़्यादा ही मिले. तो मैं यहाँ पे, ऑक्शन का टाइम 1 बजे है और यहाँ पर 11 बज चुके हैं, तो वापस लाते लाते मतलब 2 घंटे हो गए, इतना लेट हो चुका है. ओके, तो बस इसको लाइक हमने सेल पे लगाना है, उस वक्त मैंने नहीं लगाया था. तो जल्दी से जाते हैं वेब पेज पे, अभी मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि ऑक्शन है, तो तस्वीरें खींचने का मेरे पास ज़रा भी टाइम नहीं है. बाकी ये लोड मस्टक है, यहाँ पर ये मेंशन है 2016 की गाड़ी है, मैनुअल है वो भी, मैं गियर जो है इसका मैनुअल है. ओके, तो यहाँ पर मैं 75,000 लगा देती हूँ. वैसे 75,000 ठीक भी होगा कि नहीं, आई डोंट नो, क्योंकि वैसे मैंने $31,000 की खरीदी है, बाकी 5.5 लाख तो हो गए मेरे पास, फिर भी मैंने लगा दिया है, बिकॉज दूसरी गाड़ी मैं अभी ले आऊंगी और मुझे बहुत 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 गर्मी लग रही है, और इतनी ज़्यादा कि मैं मेंशन नहीं कर सकती हूँ. गाइस बस आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोग सपोर्ट करो, जस्ट सपोर्ट करोगे हम आगे और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर आएंगे. और सपोर्ट करने के लिए जस्ट वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को शेयर करना है, बस इतना आप लोगों का प्यार दिखाना काफ़ी है. आप लोग प्यार दिखा सकते हो, कमेंट सेक्शन में हार्ट दे सकते हो मुझे अगर आप. ओके, तो यहाँ पर गाइस मैं जा रही हूँ जैक जंक यार्ड, बिकॉज यहाँ पर सामान होता है. सुबह का टाइम था, मैं आई नहीं थी बिकॉज मैं थोड़ा बिजी थी, कस्टमर्स देख रही थी तो भूल गई इतने में. तो ये मेरे ट्रेवलिंग वो जो खर्ची होती है ना वो निकल जाती है, तो ज़्यादा मुझे नहीं करना पड़ता. एक पार्ट तो मुझे मिला है,
एक पार्ट और मिल गया है, दो पार्ट, आज तो तीन पार्ट ऑलमोस्ट मिल चुके हैं मुझे टोटल, तो आई थिंक $60 ओके, तो पर आपको एक टेस्ट के ऊपर $20 मिल जाते हैं, तो यहाँ पर ओवरऑल 12:20 हो चुके हैं, 1 बजे ऑक्शन लगेगा, तो ऑलमोस्ट लगभग कस्टमर आ चुके हैं, कस्टमर में देख लेती हूँ, उसके बाद मैं ऑक्शन जाती हूँ। मैं जाना चाहती हूँ ऑक्शन में, बढ़िया 2 गाड़ियाँ ले लेंगे, 3 ले लेंगे, जितनी भी आएगी ले लेंगे, बस ये बिक जाए तो ज़्यादा बेटर है, फ्यूल भी 100% है, सारा काम हुआ हुआ है, कोई भी $50,000 भाग जाए यहाँ से, और इसको देखते हैं, चलो चलो कमॉन कमॉन कमॉन, ये भी $50,000 नहीं, मेरा कोई मूड नहीं है $50,000 में, और यहाँ पर गाइस ऑक्शन मेरा स्टार्ट होने में जस्ट 10 मिनट बाकी है, $300 उसको देने भी पड़ेंगे, तो लगभग 5,50,000 होते बेटर रहता, बस थोड़े से कम है, बट ठीक है, फीस देनी है $300 यहाँ की, तो वो भी देख लेते हैं। अब लाऊंगी मैं बढ़िया बढ़िया गाड़ियाँ ऑक्शन जाने का, ना गाइस मुझे इतना एक्साइटमेंट था, इतना एक्साइटमेंट था कि मैं महंगी महंगी गाड़ियाँ लेकर आऊंगी, महंगी महंगी। ओके भाई $300 टिकट है, जल्दी कर जल्दी, मेरा टिकट, मेरी सीट बुक कर, जल्दी कर सीट बुक कर। ओके तो गाइस एक गाड़ी के ऊपर लाइक स्टार्ट है बिडिंग बिडिंग बिडिंग, मैं हाई फाई बिडिंग लगाऊं, पर हाई फाई बिडिंग वो जा चुकी है, कोई बात नहीं, इस गाड़ी में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बाकी फ्यूल डर्टी है और थोड़ी सी वो है, तो इसको लगा लेते हैं, मतलब सस्ती गाड़ी है। अभी यहाँ पे गाइस मुसलसल लगे पड़े हैं, लोग लगे पड़े हुए बिडिंग में, लगे पड़े हुए, मैं अभी चुप करके बैठी, वैसे गाड़ी बहुत सस्ती है, मैं तो महंगी गाड़ियां लेने के लिए आई हूँ, मैं बिडिंग नहीं लगा रही हूँ, अभी लगाने देते हैं लोगों को, मुझे बड़ी हाई फाई गाड़ी चाहिए, मतलब सस्ती नहीं चाहिए, सस्ती तो मिल जाती है नेबरहुड से भी, पर मैं सोच रही हूँ आखिर मैं चौंका मार दूं, अगर मैं लास्ट गोली लगा दूं और मैं ले लूं तो कैसा रहेगा। $14,000 तक पहुंच चुकी है इसका करंट, मतलब ठीक है, इतनी कोई खास महंगी महंगी नहीं है। ओके लगे पड़े लोग, ठीक है $15,000, वो $65,000 में गई है पहली गाड़ी, अरे रुक ही नहीं रहे भाई, रुक जाओ, मेरी बारी कब आएगी, मुझे तो गाइस तीसरी गाड़ी का इंतजार है, और अब तीसरी गाड़ी आ गई है, और तीसरी गाड़ी बहुत ओके लंबर की नहीं है, ठीक है गाइस, तो फिर लेते हैं इस गाड़ी को, और इस गाड़ी के लिए बिडिंग करनी जरूरी है, और मैं बड़ी बड़ी बिडिंग करूंगी ताकि मेरी ही रहे वो, तो ठीक है आ गया यहाँ पर मिड गेमर। ओके फिर किसी और ने लगाई 4 लाख, छोटी लगाते हैं, ज्यादा बड़ी बड़ी लगाएंगे तो जेब से बाहर निकल जाएंगे और फिर हम नहीं खरीद सकेंगे, प्लीज प्लीज मुझे जाना है इसको लेकर, नहीं मत लगाओ, $3,500 पे करंट प्राइस $4,500 हो चुके हैं पूरे पूरे, 4:44 थे अब 4:51 पर 64, अरे रुक जाओ मुझे दे दो, मेरे पास पैसे नहीं है, अरे रुक जाओ, 5 लाख में पहुंचने वाली है गाइस, रुक जाओ, कितने पैसे लोगों के पास गाइस, 5 लाख में पहुंचने वाली है और पहुंच गई है, मैं ले भी जा पाऊंगी कि नहीं, कमॉन 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 कमॉन, यस यस मेरी है, मेरी है, कोई नहीं लगाना, कोई नहीं लगाना, कोई मत लगाना, दैट्स इट, गाड़ी मेरी हुई। तो गाइस आप कितनी लंबर गिन्नी लेकर जा रही है, मस्त बढ़िया लंबर गिन्नी, और ये है फोर्थ गाड़ी, मेरी गाड़ी कहाँ गई, अभी एक और की आई थिंक बिडिंग चल रही है, और मेरी गाड़ी 3rd नंबर वाली है, वैसे ज़्यादा पैसे नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, 30,000 उसके ऑलरेडी लग चुके हैं और वो चल रही है बिडिंग, तो पैसे मेरे पास कम है, लंबर गिन्नी बनवाऊंगी तो उस पर भी पैसे लग ही जाएंगे, तो उसको लेना ना गाइस फजूल ही होगा मेरे लिए, मैं सोच रही थी पर ले लूँ, पर उसकी बोली देखकर मैं कंफ्यूज हो गई कि अब जाहिर सी बात है जितने पैसे हैं लोग मजीद बोली बढ़ाएंगे और उसको उस प्राइस पर ले जाएंगे कि मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकूंगी, तो अभी वेट करते हैं जब तक कई चारों गाड़ियाँ फारिग नहीं हो जाती हैं, तो 5:11 में मैंने खरीदी है, क्या बात है, ऑक्शन खत्म होगा तभी हम जा सकेंगे, कमान किमी और लगा बॉबी, 38 तक पहुंच गई, मेरे पास पैसे भी नहीं थे। ओके 39 पे पहुंच गई है, मैं अपनी लंबर गिननी बनवाऊंगी, बनवाने में पैसा लग जाएगा इतना, तो
अभी भी 40 तक पहुंच गई है, तो मतलब हमारी रेंज से बाहर थी, एंड फाइनली गाइस वो 40 में चली गई है और मुझे मिल गई है मेरी लंबरगिनी। और लंबरगिनी ठीक है भाई, क्या पार, क्या गाड़ी है गाइस, क्या अमेजिंग गाड़ी है, वाह 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 वाह, क्या है भाई तेरा स्टेटस, दिखा क्या हाल चाल है तेरे। अरे दिखा क्यों नहीं रहे हैं, स्किल पॉइंट मिला है मुझे एक, दिखा ही नहीं रहे। चलो खैर कोई बात नहीं। ओ क्या बात है, इसका तो फील ही अलग आ रहा है, फील ही अलग आ रहा है इसका तो, चलने में क्या बढ़िया है गाइस। कस्टमर्स आए हुए हैं मेरी गाड़ी के लिए, कस्टमर्स आए हुए हैं, इसको रोकते हैं यहां पर। गाड़ी देखो जरा गाड़ी, अरे जा मत, अरे जा रहा है, मैं इतनी मुश्किल से गाड़ी को रोक कर आई हूं यहां पर और भाग गया। तो गाइस 46,000, आई थिंक ये 50 तक तो है मुझे लग रहा है, 50,000, बट फिर भी और कस्टमर्स हैं तो मैं और भी देखूंगी। मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, बारगेन का जो ऑप्शन है ना, जबकि मैं 3 कर चुकी हूँ ऑलरेडी, स्किल पॉइंट यूज कर चुकी हूँ बारगेन के ऊपर, क्योंकि लोग नहीं लेते, मतलब ज्यादा बहस करते हैं या फिर नहीं लेते हैं, और खास नहीं होती तो नहीं खरीदते। जैसे कि हमारी ऑक्शन में कभी महंगी गाड़ियां आती हैं तो नहीं ले पाती मैं, औकात नहीं होती। ओके इसे बार्गेन करते हैं और इसको ऑफर करते हैं 55,000। वैसे 50 भी सही ठीक था, बट ठीक है इतने पैसे तो मैंने लगाए हैं, 35 तक तो मेरे भी खर्च हुए हैं। अच्छा मैं तेरे को इरिटेट कर रही हूँ, आप बोल चाहिए कि नहीं। ओके गाइस तो $50,000 में मैंने उसे बेच दिया है। और ये वाली गाड़ी देखो गाइस, ये वाली गाड़ी चेक करो, बट इसका ना मुझे नजर नहीं आ रहा, आई डोंट नो क्यों, क्या सीन है इसका मुझे समझ भी नहीं आ रहा है। मैं खोल कर चेक करने की कोशिश कर रही हूँ जबकि रात होने वाली है, और एक और स्किल पॉइंट मिला है मुझे। ठीक है गाइस तो मेरे पास 87,000 आ चुके हैं, और सबसे पहले हम इसको रिपेयर पर ले जाएं, क्या पता यहाँ पर मुझे मालूम पड़ जाए क्या सीन है, क्योंकि वहां से मुझे ना खुल नहीं पा रहा है, और ये बड़ी गाड़ी है तो आई डोंट नो इसके लिए क्या सीन है। ओके जस्ट $80 गाइस, इसमें इतना ज्यादा कोई खर्चा ही नहीं है, मुझे लगा था बड़ी गाड़ी है तो बहुत पैसा लेगी, नहीं इसमें लिटिल बिट खर्चा है। माय गॉड मेरी इतनी बढ़िया गाड़ी, मेरी बढ़िया गाड़ी, रात हो चुकी है, मेरी गाड़ी भी रेडी हो चुकी है, मैं सो कर आ जाऊँ ज्यादा बेटर है, बिकॉज रात का टाइम है और वैसे भी सब कुछ बंद ही हो जाता है, तो लेट्स गो सोते हैं, मजा आ रहा है, बहुत मजा आता है गाइस। गाड़ियां बेचो, अच्छी अच्छी गाड़ियां खरीदो, ऑक्शन से लो, मार्केट से लो, नेबरहुड से लो, बहुत मजा आता है। चलो कंटेनर में इतने गरीब हैं, अभी $12,000 का लॉस किया हुआ है, स्पेंडिंग की थी हमने 5.5 लाख डॉलर की, मतलब 5.25 की, और 499 ही हमने अर्न किए, और यहाँ पे हो चुकी है मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अब फटाफट से निकलते हैं, अपनी गाड़ी को देखेंगे, तो यहाँ से ऑफिस जा रही हूँ मैं, ठीक है इसने सफाई कर दी होगी, मेरी गाड़ी ना यहाँ पर थी रिपेयर पे, तो इस गाड़ी को देखकर ना अच्छा वाली फील आ रहा है, मतलब फरारी भी ठीक है अच्छी थी, 4.5 लाख डॉलर में आपने बेची, पर आपने ये तो खरीदी इतनी महंगी है, इतनी महंगी खरीदी है मैंने, इतनी महंगी महंगी यार, इसका क्यों नहीं दिखा रहे भाई, इसमें क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या, इसमें पेट्रोल फुल है, कमेंट सेक्शन में बता रहा गाइस इसका मुझे क्यों नहीं वो दिखा रहे। चलो चलो चलो, माय फेवरेट, मेरी गाड़ी खड़ी हुई है, मेरी गाड़ी ठोकना मत, वैसे रिपेयर कॉस्ट उसमें लगी नहीं है, मजीद और खर्ची हो जाएगी, ट्यूनिंग पे भी गाइस मसला है, यहां पर भी मसला है, दोनों जगह मसला ही मसला चल रहा है, कार वॉश पे ले जाते हैं इसको, क्या बढ़िया चल रही है, बाय गॉड बहुत मजा आ रहा है, कुछ चलाने में बहुत मजा आ रहा है, तो पहले कार वॉश करवाते हैं। अब मैं फ्यूल भी देख लेती हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है तीन चीज मुझे नजर नहीं आ रही थी, बट मैंने तीन चीजें कवर कर लिया, रिपेयर भी करवा लिया है, फ्यूल भी डलवा लिया है, और साथ में इसका लाइक कार वॉश भी करवा लिया है, अब सिर्फ बचा है तो पेंट बचा है, बाकी पेंट का मुझे नजर नहीं आ रहा कि कितना वो है, बट धुलवाने के बाद बहुत अच्छी लग रही है, बढ़िया वाला लुक दे रही है धुलवाने के बाद। ओके तो यहाँ पर गैस स्टेशन से हम सीधा निकल रहे हैं अपने, वैसे मुझे ना इसको कलर, ओह माय गॉड चेक करो गाइस इसका फील चेक करो, ठीक है हम इसको यहाँ ले आते हैं ट्यूनिंग के लिए, ट्यूनिंग
क्योंकि अच्छी गाड़ी है, पैसे खर्च किए हैं तो पैसे मजीद लगाए, और मैंने 50,000 की गाड़ी जल्दी बेच दी इसलिए ताकि मैं इसके ऊपर खर्चा कर सकूं। हाँ भाई ठीक जगह पे ही खड़ा करूंगी, तो फिक्र मत कर। ले फिर मेरी गाड़ी चेक कर तू, कितनी अमेजिंग है। ओके गाइस, तो रेसिंग किट, क्या बात है, ड्रिफ्ट किट, ABC, ABS, अबे TCS क्या ही है, चल टर्बो भी लगवा दिया। और ये क्या है, ठीक है ठीक है, थोड़ा सा पीछे से भी बराबर कर लेते हैं, $120। लाइट्स देख लेते हैं, अरे बढ़िया वाला लुक करना चाहिए। और नंबर प्लेट देख लेते हैं, यहाँ पर प्रागी, प्रागी की है ये नंबर प्लेट, प्रागी प्रागी। ओके गाइस, तो व्हील देख लेते हैं हम, व्हील सबसे महंगे वाले बताओ, महंगे वाले, सबसे महंगे वाले, सबसे महंगे, सबसे हाई फाई, $5,000 से ज्यादा कोई भी महंगे नहीं है यहाँ पर, तो ये वाले सबसे महंगे ना, तो बस ये लगा दे। लाइट्स का थोड़ा इशू है, अभी भी इसका पैनल नहीं नजर आया है। नंबर प्लेट पे फ्रॉगी लिखना वैसे जरूरी नहीं था गाइस, क्योंकि फ्रॉगी मेरी गाड़ी तो नहीं रहने वाली है, बेचने वाली हूँ मैं अभी, तो मैं खुद भी इतनी कोई गरीब हूँ, अमीर नहीं हूँ कि मैं इस गाड़ी को रखूँ, तो मैं रखना नहीं चाहती हूँ अभी फिलहाल, लेंगे बट ऐसी ही गाड़ी रखेंगे अपने लिए, तो इस पर करवा दिया है मैंने। और पॉलिश के लिए स्मूथ चेक कर लेते हैं, और मेटेलिक को भी ये $300 मैंने दे दिया है, ठीक है लेट्स गो गाइस। देखा आप लोगों ने किसी बढ़िया गाड़ी बनवाई है, मैंने हर तरह का खर्चा कर दिया दिल खोल के, इस गाड़ी को डेंट पेंट नहीं लगना चाहिए। देख अगर तूने डेंट पेंट लगवा नहीं दिया, काम नहीं खराब करवाई हो, काम आके ओपन है, मेरे पास पैसे भी हैं, बट ये जो गाड़ी बनवा के लाई हूँ ना अभी मैं, ये जो मगरमच्छ बनवा के लेकर आई हूँ, इस मगरमच्छ के लिए ठीक है, तो ये हमारी लंबर करनी है, आए हाय आए हाय, चल जल्दी जल्दी, ठीक है स्पेलिंग मिस्टेक की हुई थी इन्होंने बट हमने ठीक कर दी है, तो हम लगाएंगे इसको। तो गाइस इतने तो होने चाहिए बिकॉज मैंने खुद इतने ज्यादा पैसे लगाए हैं, बट आप बोलोगे दी कुछ ज्यादा ही मांग लिया आपने, कोई बात नहीं, देख लेंगे अगर होगी इसकी वैल्यू तो ठीक है, नहीं होगी तो थोड़ा सा हम कम कर लेंगे, क्योंकि कम भी कर लेते हैं, बार्गेनिंग तो चलती रहती है, बार्गेनिंग तो। अभी गाइस मेरे पास ना पैसे मौजूद है, लेकिन मैं जैक जंक यार्ड नहीं गई थी, तो मैंने कहा थोड़ा सा खर्चा निकाल लेते हैं, काम आकर भी देख लेंगे। वैसे अभी दोपहर के 1 बजे हैं, और मेरे पास एक स्किल पॉइंट भी है, और मैंने अभी उसको रखा हुआ है यहाँ पर, एक ये है ठीक है, एक ये है, तो $40 तो मेरे बन गए हैं, $40 तो बन गए हैं मेरे पक्के पक्के, मतलब 3-2 बार आ जा सकती हूँ मतलब। ओके वैसे अपनी एक पर्सनल गाड़ी होनी चाहिए, बट मैं ये सोचती हूँ कि उसमें फ्यूल भी तो डलवाना होता ही है ना, तो फ्यूल के पैसे भी लग ही जाते हैं। ओके वैसे गाइस अभी नेबरहुड में ना मैं ज्यादा नहीं जाती हूँ, मतलब ठीक ठाक गाड़ियां मिल जाती है, पर वहां पर डेंट पेंट वाली भी बहुत मतलब मिलती है, पर अच्छी अच्छी गाड़ियां ना आपको कार मार्केट से मिलती है, कार मार्केट से भी, और ऑक्शन में तो आपको अच्छी गाड़ियां मिल जाती है मनपसंद, आप जितनी चाहे बोली लगाओ, बस पैसे होने चाहिए आपके पास। ओके यहाँ पर डेकोरेशन के लिए ना गाइस साइन में यहाँ पर थोड़ा सा साइन, मैंने कहा थोड़े पैसे हैं तो लेट्स सी कितने में है, हो रही है 5,000, ठीक है इतना ज्यादा महंगा नहीं है, और नॉर्मल ओके ओके है, $2,500 मतलब लगभग ये $10,000 पर देख लेती हूँ पहले मैं, $5,000 में ऐसा रहेगा, और ये अगर हम फेंस की बात करें तो ये $10,000 में कुछ इस तरीके का दिखेगा, बाकी अभी नहीं करते हैं क्योंकि मेरे पास एक और गाड़ी नहीं है। वैसे एक सेकेंड, ये मैंने गाइस 1 मिलियन 1.5 मिलियन के आसपास लगाए हैं, वैसे 1974 की है ये, और ठीक है मतलब लंबरगिनी महंगी होती है, इतनी सस्ती तो कोई नहीं होती है, कस्टमर तो आए हैं, लेट्स सी कस्टमर देख लेते हैं, मुझे दूसरी गाड़ी भी लानी है, बस जस्ट हल्का फुल्का फ्यूल कम है, $5,500 लगा रही है, इतने को तो मैं खुद भी खरीद के लेकर आई हूँ,
बार्गेन भी इसे क्या करूं मैं, बट आपको आइडिया हो जाएगा कि कितने तक की जाने वाली है। ओके लगभग ये ऑलमोस्ट करीब करीब ठीक है, मतलब 7 लाख के करीब है। अगर बार्गेन करें, पहले मुझे थर्ड वाला भी देखना चाहिए कि ये क्या कहती है। करीब करीब मतलब उतने ही दोनों दे रही हैं, तो मतलब मैं ऐसे समझ रही हूँ कि 6 लाख या 7 लाख तक की इसकी जो, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी, भाग जाए यहाँ से, इसकी जो प्राइस है वो 7 लाख तक तो होगी होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। कमेंट सेक्शन में बताना आप लोगों को क्या लगता है कितनी होनी चाहिए, क्या मुझे इतना ही रखना चाहिए। ये 575 दे रही है और ये क्या कह रही है। ओ आई नीड, ठीक है 563, तो इससे बार्गेन करते हैं, ऑफर देते हैं इसको, इसके मुझे ज्यादा लग रहे हैं तो इसे ऑफर देते हैं अगर ये देती है तो। थोड़े से रिड्यूस करने के लिए बोल रही है, कितने रिड्यूस करूं, इतने कम तो बोले हैं मैंने। आठ लाख में ले लेगी, भाग यहां से मोटी। तो इससे मालूम करते हैं, सबने ना गाइस लगभग 6 लाख के पास पास लगाए हैं, 5.5 लाख 6 लाख के पास पास लगाए हैं, इसने लगाए हैं 6 लाख से ज्यादा, थोड़े ज्यादा लगाए। लेट्स सी, भाग जाए यहां से, मैं इतना भी नीचे नहीं गिराऊंगी। इसने 7 लाख के पास पास लगाए हैं, लगभग 25,000 कम है, तो इससे हम ऑफर करते हैं जितने में हम बेचना चाह रहे हैं। एनी डिस्काउंट ऑन द प्राइस, मैं और कितना डिस्काउंट दूं, 8,50,000 दे दिए मैंने तेरे को, और क्या चाहिए, चल 7 लाख में ले ले, तू ले लेगी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि चली जाएगी। तो गाइस 7 लाख में मैंने दे दिए, मतलब मैंने सोचा कि अगर मैं गाड़ी को लेकर बैठी रहूंगी तो आई थिंक मतलब फिर मैं बैठी रहूंगी, मजीद और भी लंबर गिननीस आती रहेंगी, तो कोई टेंशन नहीं है। अच्छा मैं यहाँ डेकोरेशन के लिए आई थी, ऑफिस के डेकोरेशन के लिए, बट फिर मैंने मतलब कस्टमर्स देखे तो फिर मैं वहाँ चली गई, तो इसलिए। अच्छा ये 2 लाख का है, लार्ज एरिया कर सकते हो तो मैंने ले लिया है, 7 लाख वाला भी नहीं ले रही हूँ क्योंकि वो बहुत महंगा है और फिर गाड़ियाँ मैं कैसे परचेज करूंगी। तो अब आप देखो ये कितना बड़ा एरिया हो गया है गाइस, मतलब मैं अभी काफ़ी सारी गाड़ियाँ मैं खड़ी कर सकती हूँ, तो मैंने काफ़ी लार्ज कर लिया है। आई थिंक ये आगे से वैसा ही है बट ये पीछे की तरफ चला गया मेरा ऑफिस, तो थोड़े से पैसे स्पेंड करने चाहिए बिकॉज मैं चाहती हूँ छोटी छोटी गाड़ियाँ बट ज़्यादा हो। थोड़ा सा देख लेती हूँ मैं, अब डिज़ाइनिंग वगैरह कर सकती हूँ क्योंकि मैंने बेच दी, मुझे डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट था तो मैंने लंबा गिनने को 7 लाख में मैंने बेच दिया। ओके इसको देखते हैं हम, ठीक है इसको $1,000, ठीक है इसको भी कर लेते हैं। और यहाँ पर डिज़ाइनिंग में वॉल्स हैं ये, वाओ ये अच्छी लग रही है कलर, ये भी अच्छा है, पर जितना ज़्यादा महंगा होता जा रहा है ना उतना ज़्यादा मुझे एक पसंद आया था हल्का सा, उसमें आई थिंक ये वाला ज़्यादा अच्छा था, तो इसी को इसको लेना चाहिए। लेकिन गाइस महंगे भी हैं, मतलब इससे ज़्यादा, और मुझे ना महंगी चीज़ें हमेशा अट्रैक्ट करती हैं, आई डोंट नो क्यू, बट महंगी चीज़ें अट्रैक्ट मुझे करती हैं। ओके नीचे वाला जो एरिया है अगर हम वो थोड़ा सा अच्छा कर लें तो लगभग मतलब $5,000-5,000 आप मान के चलो कि आपने अगर खर्च करनी है कि डिज़ाइनिंग पे, तो ये थोड़ा बेटर लग रहा है क्योंकि ये एक लुक दे रहा है। बट एक सेकेंड, ये ठीक है, अच्छा लग रहा है। ओके अब आउट डिज़ाइन के अंदर पहले ये ब्लू हो गया, इसका कलर चेंज थोड़ा, एक सेकेंड, मतलब कुछ चेक कर रहे हैं कुछ नहीं भी कर रहे हैं। अब ये रात का टाइम हो गया तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो गया, बट फिर भी मैंने ये ले लिया है क्योंकि मैंने डे टाइम पे देख लिया था। ओके ये बाहर वाला एरिया है तो 5,000 वाला ही मुझे अट्रैक करेगा, मुझे इतना मालूम है कि मुझे महंगी चीज़ ही अट्रैक करती है। अब फेंस में है, ये वाइट भी है और ये भी है, हम ये भी दे सकते हैं, ग्रास वाला भी कर सकते हैं, तो मैं महंगा ही करने वाली हूँ। तो ओवरऑल एक लंबर गिननी बेची है और मैं बर्बाद हो चुकी हूँ, टोटली बर्बाद हो चुकी हूँ।
अब रात का वक्त हो रहा है तो मैं रात के वक्त को कैसे मैं वो करूंगी, बट ओवरऑल ऑफिस अच्छा लग रहा है। फिर भी मेरे पास 5 लाख है, जबकि मेरे पास काफी सारे पैसे थे, मतलब 8 लाख प्लस थे। बट आप देख सकते हो कितनी बड़ी जगह हो गई। अगर मुझे यहाँ पे बेड मिल जाए ना तो मजा ही आ जाएगा, मतलब कुछ ज्यादा ही मजा आ जाएगा। तो गाइस 7 लाख का मैंने आज $7 लाख का प्रॉफिट किया है, क्योंकि वो मैंने गाड़ी बेची थी जो कि मैंने ली थी। आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और मजेदार सी एपिसोड के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड